आज नवीन अमलीडी रोड में नाकाबंदी कर पकड़ा। कार्यवाही में 5 लाख मूल्य का 50 किलो गांजा किया जब्त। अवैध रूप से गांजा परिवहन में प्रयुक्त 9 लाख रुपए की वर्ना कार क्रमांक MP19 CA95-03 भी की गई जब्त। संपूर्ण पुलिस कार्यवाही में 50 किलोग्राम गांजा, एक मोबाइल सहित कुल 14,01,000 रुपए का मशरूका जब्त। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कार में सवार आरोपी हो गया फरार, जिनकी इस सरगर्मी से की जा रही पतासाजी। विभिन्न माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि जिले का गिधौरी होते हुए जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर सड़क मार्ग गांजा तस्करों के लिए एक सुरक्षित मार्ग सा बन गया है। सूचना के अनुसार इस मार्ग से अभी कुछ दिनों में भारी मात्रा में गांजा तस्करों द्वारा गांजा की तस्करी किया जाने वाला था। साथ ही इन तस्करों द्वारा पकड़े जाने एवं चेकिंग कार्रवाई से बचने लग्जरी कारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव के मार्गदर्शन में थाना गिधौरी पुलिस द्वारा गिधौरी से सारंगढ़ बिलाईगढ़ सड़क मार्ग में लगातार निगरानी की जा रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। इस माह थाना गिधौरी पुलिस बल द्वारा इसमें लगातार कार्यवाही कर कुल 3 प्रकरणों में गांजा तस्करी करने वाले 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही इन प्रकरणों में 19 लाख रुपए का 190 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित 3 लग्जरी कार भी बरामद की गई है। इसी बीच सूचना मिली रात्रि में एक लग्जरी कार में जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की ओर से भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ तस्कर फिर आने वाले हैं की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार के मार्गदर्शन में गिधौरी पुलिस टीम द्वारा रात्रि नवीन अमलीडीह रोड के पास नाकाबंदी की गई। 21 जनवरी को 4:35 पर सारंगढ़ की ओर से एक वर्ना कार आते हुए दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रुकवाने पर कार चालक तेजी से भगाने लगा। पुलिस टीम द्वारा भी बहुत ही साहस एवं तेजी से गांजा तस्करों के कार का पीछा किया गया। पुलिस टीम को बहुत तेजी से अपनी ओर आता देख कार में सवार चालक नवीन अमलीडीह रोड में पत्थर के ढेर के पास कार खड़ी कर खेत की तरफ भाग गए, जिसे ढूंढने पर एवं रात्रि में अत्यधिक अंधेरा होने पर आरोपी नहीं मिला, जिसकी पता तलाश जारी है। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा उक्त वर्ना कार का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण किया गया। कार में तलाशी के दौरान वाहन की डिग्गी में 50 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा मिले। थाना गिधौरी में आरोपी के खिलाफ 20वीं NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गांजा की तस्करी करने वाले फरार आरोपी की पता तलाश जारी है। कसडोल से राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।